मैं आप सभी के प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हमारा इसी तरह सहयोग करते रहें और डरे नहीं। मालिक लोग थोड़ा डराते होंगे लेकिन उनसे डरिए मत। तो ये सरकार के लोग पता नहीं क्या चाहते हैं कि हम चोरी छिपे मिलने जाएं। ये सरकार आखिरकार क्यों चाहती है ऐसा, क्यों छावनी बनाई हुई है? हमें कई जर्नलिस्टों ने बताया कि कानपुर में बाबू वर्मा में इतनी फोर्स लगाई गई है कि आप सामने के रास्ते से नहीं जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो गलियों के रास्ते से चुपचाप जा सकते हो। तो आखिरकार सरकार ये क्यों कर रही है ऐसा, क्या छिपाना चाहती है सरकार? हम पीड़ितों से ज्यादा सहानुभूति रखेंगे। उन्होंने जो खो दिया है वो हम तो नहीं दिला सकते, लेकिन कम से कम उनके दुख में शामिल हो सकते हैं और थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर सरकार औरों की मदद कर रही है, बताइए, आपने बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या हुई, इस परिवार की मदद की आपने, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? तो क्या अगर कोई ऐसी जान गई है तो आपको नहीं मदद करनी चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है मदद करना। मैंने आपसे कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा और मुख्यमंत्री जी की भाषा जो बोली गई थी कि बदला ले लो, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से 200 विधायक सदन में नाराज थे जो धरने पे बैठ गए थे, और चुपचाप बात करेंगे तो 300 से ज्यादा उनसे नाराज हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुसलमान भाइयों पर अन्याय कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा मदद करती रही है जब भी सरकार में रहे हैं, और अगर सरकार में नहीं है तब भी हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है तो उन्होंने संसाधन जुटा करके हमारी मदद की है, वो मदद हमने पहुंचाई है। क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज है। देखिए, ये नौजवानों से मैंने कह दिया, नौजवानों से अच्छा पॉलिटिकल प्रोपोगंडा कोई नहीं कर सकता। हम कहां से ढूंढेंगे बताओ कागज? किसी 60 साल के आदमी से पूछ के आइए कि बताओ आपका, आपके पिताजी का जन्म स्थान के कागज कहाँ हैं? सुनील दिवाकर जी, आप बताओ, आप तो दिवाकर समाज के हो, आपका घर का भी कागज नहीं होगा? तो सोचिए आप। इसीलिए मैंने कहा हर गरीब के खिलाफ है ये, और फिर अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो आप कभी झगड़ा करा देते हो पिछड़ों में, कभी दलितों में झगड़ा करा देते हो, कभी हिंदू मुसलमान करा देते हो। कौन कहता है कब्रिस्तान और शमशान? कौन कहता था दिवाली रमजान? कौन कहता है कि कपड़ों से पहचाना जाता है? अरे कपड़ों से तो हमने भी पहचान लिया, हमने तो इलेक्शन कमीशन से वो FIR की कॉपी निकाली, कपड़े में मैंने देखा कि क्या धाराएं लगी थी उन पर। जो आपके सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, दो बड़े पदों पर, उन पर क्या क्या धाराएं हैं, कभी इलेक्शन कमीशन से आप मंगवाना, देखना क्या है। क्या ऐसा कभी हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी धारा वापस ले ली हो? ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी है, लेकिन इसको अगर बता दोगे कि तुम्हें अपने पिताजी की भी जन्म तिथि का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वो आपको डंडा नहीं मारेंगे। आप पता कर लो, आज कहना शुरू कर दो आज से, आप एक भी आपको नहीं छुएगा, बोलेगा कि इधर से नहीं उधर से जाइए, मेरी नौकरी बचा लो। मुझसे कहा लखीमपुर तक जाने, तक जाने कितने पुलिस अधिकारियों ने कि सर जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, मैं धारा 144 तोड़ता चला गया। नहीं, विधायक खेलेंगे ना, तुम कैसे पत्रकार हो, इतना भी नहीं समझ रहे हो? ये जो अन्याय हो रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो रहा है, ये जो पर्दा डाला जा रहा है, क्योंकि अगर हटाया उन्हें, अगर उन्हें उन्हें हटाया तो भारतीय जनता पार्टी का जो मास्क लगा है वो हमारे मास्क हटा देंगे उसको। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या कहा मैंने कि अगर उनको हटाया तो भारतीय जनता पार्टी का मास्क हटा देंगे? तो 6 महीने इतना खुश है मुख्यमंत्री जी कि अब 6 महीने कोई पूछेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं पूछेगा, रोजगार नहीं पूछेगा। हमने कहा कि 200 विधायक सदन में बैठे थे वो सबके संपर्क में है। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम?
किधर ले जा रहे हो बात को? लखनऊ में पुलिस के सामने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ के पुलिस के सामने न जाने कितनों की जान जा चुकी है। तुम्हें प्रसाद चाहिए ना? इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? आप सोचिए, इतना बड़ा पाप पड़ने जा रहा है गाय का, कितनी गाय हमारी सर्दी में ठिठुर रही है। उनके लिए समाजवादी पार्टी और वो लोग भी कोर्ट में जाकर के अपनी मदद मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ने ये भी देखा है कि बुलंदशहर में किस तरीके से चौकी जलाई गई, कितनी तोड़फोड़ हुई, कितने लोगों के गोली लगी, किसके क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट उनकी दुकानें भी खुलवा देगा और उन्हें न्याय भी मिलेगा। आप क्या सरकार से उम्मीद करते हो? आप पतंग नहीं उड़ा सकते सरकार में? हमें बताया कि पतंग को भी पाबंदी है। एक्सप्रेस वे बनाएंगे जिसमें 150 किलोमीटर की रफ्तार से आप भी चल सकें। नोटबंदी का इतिहास तो बनाया ही है और दुनिया में इंटरनेट बंद का भी इतिहास बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हर चीज का इतिहास बनेगा, गिरावट का भी बहुत इतिहास बनेगा। अर्थव्यवस्था की गिरावट का तो बनेगा ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के अपनी गिरावट का भी रिकॉर्ड बनाएगी। प्रेस के लोगों, आप भी लोकतंत्र बचाओ। आप बचा रहे हो, थोड़ा डडर के बचा रहे हो। नहीं, आप लोग बचा रहे हो, मैं बधाई देता हूँ। कौन प्रवक्ता जा रहा है वहाँ? बिजली का बिल उत्तर प्रदेश का इतना है, बिजली का बिल किसान नहीं दे पा रहा है। आपको खुद जानकारी होगी कि इतना बिजली का बिल कभी उत्तर प्रदेश में किसानों गरीबों को नहीं देना पड़ा, उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं। और जिस विभाग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक बिजली का एक यूनिट उत्पादन नहीं बढ़ाया, केवल बिल बढ़ा दिया। हमें उनकी एक भाषा अच्छी लगी, उन्होंने समाजवादियों को कुछ नहीं कहा, इस बार कांग्रेस को कुछ कहा। कम से कम आज स्टेटमेंट देखा है मैंने। इलाहाबाद का नाम डुबा दिया, आपको उसकी चिंता नहीं है? उत्तर प्रदेश की एक ही बैंक थी इलाहाबाद, उसका भी नाम खत्म कर दिया और अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो गई है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो चौपट हो गया है। जो एनपीए के बारे में बोलते थे कि इतना बढ़ गया दूसरी सरकारों में, आज सरकार बताए कि कितना बढ़ गया है। अब कोई भी नाम रख लें, उसमें आदरणीय राम संदास जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी भी प्रतिमा बगल में ही लगेगी। अगर एक आध नाम आप भी सुझाव दे दो तो एक और जगह खाली है, तो दो लगाई जा सकती हैं। नहीं, जनेश, देखिए जनेश्वर मिश्र जी का नाम ले, रुक जाइए मिनट। देखिए, राम जनेश्वर मिश्र जी का जो नाम लिया, कम से कम बीजेपी के लोगों को थोड़ा शर्म करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान रहा, उन्होंने प्रतिमा जनेश्वर मिश्र जी से भी नीचे लगाई। जनेश्वर मिश्र जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन देखो कितनी ऊंची उनकी प्रतिमा लगी है। ऊंची के नहीं है तो इन्हें भी ऊंची लगानी चाहिए थी। तो यही सम्मान है इनका, क्या सम्मान करेंगे ये लोग? आप बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, जनेश्वर मिश्र जी से भी नीची लगाई प्रतिमा?
मैं आप सभी के प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा इसी तरह सहयोग करते रहें और डरे नहीं। मालिक लोग थोड़ा डराते होंगे लेकिन उनसे डरिए मत। अभी नहीं देंगे। अच्छा प्रेस के लोग चले जाएंगे तो उन बच्चों से मिल लेंगे तब है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।